ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਕੋਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਵਲੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों में मेरे किरदार बिल्कुल अलग है। फिक्सर में मैं पूरी मराठी कॉप हूँ, कॉमेडी का फ्लेयर है लेकिन है थ्रिलर, और जो मलिक उसमें जो कॉप है मेन फिक्सर कॉप, उसके साथ मैं भी फिक्सर हूँ, बॉम्बे की कॉप हूँ, और बालाजी के साथ बहुत सालों बाद और एक कॉप करने का मौका मिला है मुझे प्ले करने का, वो भी मेरा रोल जो क्या कूल है हमें था, लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। उसमें मैं उर्मिला मारतोड़ कर थी, इसमें मैं जयंती जावड़ेकर हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी अलग ही किरदार है, तो अलग अलग चीज़ें करने में मज़ा आता है। जैसे मैंने कहा नॉर्मल इज़ बोरिंग, सेम सेम करने में मैं बोर हो जाती हूँ। अभिनेत्री वाणी कपूर मुंबई के टेड बेकर्स की वॉच लॉन्च करने समय देखी गई, जिथे उन्होंने कई सारिया गल्लां कीतियां ते काफी एक्साइटेड लगी। मुंबई दे विच फिल्म हाउसफुल 4 दा ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके ते कास्ट काफी एक्साइटेड लगी अते जो अपना तजुर्बा है उस सांझा करदी हुई दिखाई दी। सो मिलवांदे हां तुहानू कास्ट दे नाल ते नाल दी नाल सुनांदे हां कि की कहा उन्होंने। इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है। ये हमारी यानी कि ये समझ लीजिए प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या। ये हमारी मूवी की अन्नपूर्णा है सर, ये वही चीज है। बहुत ही दिलचस्प इंसान है, इनके अंदर इतना इतना चुटकुला भरा हुआ है भर भर के। अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे। मम्मा मिया, वू इज जोकिंग, नॉट जोकिंग। थैंक यू थैंक यू। तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना। ओके कि मुझे अबे चार चार टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है। एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। अभिनेत्री नेहा धूपिया, सोयाली खान ते प्रज्ञा ਨੂੰ ਵਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੈਨਜ਼ਵੇਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ। ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਲ ਗਾਣਾ ਟੂਟੇ ਖਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਓਵਰ ਮਾਰਸ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।